इंस्पिरेशन लिया कि जो रॉकेट्स होते थे, रॉकेट में हम लोग क्रायोलिटिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अब उस क्रायोलिटिक हाइड्रोजन में -170 डिग्री का फ्रीज हाइड्रोजन यूज है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन का कितना अच्छा पोटेंशियल है एज अ फ्यूल यूज होने का। तो हाइड्रोजन का सबसे अबंडेंट सोर्स क्या है? सबसे अबंडेंट सोर्स हमारा पानी है, जो पानी हम हर रोज पीते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इस हाइड्रोजन में जो वाटर का कॉम्पोजिशन है वो, इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग कैसे अपने गाड़ियों में कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने किट डेवलप किया, और उस किट के मदद से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन हमें पानी से मिल सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम इस हाइड्रोजन को निकाल के उस हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम किट की तरफ चलते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए मैं आपको विस्तार में एक्सप्लेन करूँ। तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा एयर टाइट कंटेनर है जिसमें हम पानी डालेंगे, ये वाला पानी डालेंगे। और किस तरह से डालेंगे, हम ऐसे कोई भी सिरिंज ले सकते हैं, 20 ml या इससे बड़ा का भी ले सकते हैं। और हम लोग इस पानी में, इस सिरिंज से पानी निकालेंगे, और फिर पानी लेने के बाद हम इस एयर टाइट पाइप से इसको इधर जोड़ेंगे। अब ये वन वे होस से कनेक्टेड है, मतलब सिर्फ एक बार जब कनेक्ट कर देते हैं तो इसको निकालने के लिए हमें इस ब्लू ब्लू पार्ट को नीचे दबा के फिर हम इसे ऊपर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, वरना ना कि हवा जा सकती है ना कि वो जा सकती है। अब सेकंड पार्ट हम लोग आते हैं, ये जो ब्लू रेड और ब्लैक वायर है ये जुड़ेंगे हमारे इनपुट से, ये ब्लू वायर और ये रेड वायर, इन्हें इधर से जुड़ेंगे। अब ये है हमारा PWM यूनिट, यानी तो बोलते हैं पल्स विद यूनिट। साथ में इसके अंदर हमने एक सेंसर जोड़ा है, जो क्या काम करता है कि एक सर्टेन लेवल के पेट्रोल के गिरने के बाद ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होना चालू होता है, जिससे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है और जो हाईली इनफ्लेमेबल होता है, तो इसलिए डेंजरस ना होने की वजह से ऑन डिमांड इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जिससे बहुत कम लेवल में हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा और वो सारा का सारा हाइड्रोजन एक ही बार में कम्बस हो जाएगा। तो इससे कोई स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन हमें वो होता है कि हाइड्रोजन को स्टोर किया जाए तो वो ज़्यादा इनफ्लेमेबल हो सकता है या ज़्यादा डेंजरस है, तो इस उसको एज अ कंसर्न और इस ऐसे चैलेंज देखते हुए मैंने सोचा कि अगर हम हाइड्रोजन को ऑन डिमांड प्रोड्यूस करेंगे तो स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो जो सेफ्टी का एस्पेक्ट है वो इस तौर से हम लोग कर सकते हैं। अब इस सेंसर में है एक फ्लोट लेवल सेंसर। अब ये फ्लोट लेवल सेंसर सेंस करता है कब एक पेट्रोल का सर्टेन लेवल गिरेगा तभी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये रेड वायर को रेड वायर से जोड़ेंगे और ये ब्लैक वायर को ब्लू वायर से जोड़ेंगे, और ये जो वायर्स है, ये दोनों वायर्स हमारे 12 वोल्ट के वोल्टेज में जाएगा। 12 वोल्ट के जो बैटरी का वोल्टेजेस होते हैं, 12 वोल्ट के बैटरी के वोल्टेजेस में जाएंगे। अगर पूरी तरह से हम इंस्टॉल करते हैं इस पूरे किट को बाइक पे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि हमने देखा है कि जो मेन होज पाइप है वो हमारे एयर फिल्टर में जा रहा है और बाकी के जो कनेक्शन है वो सारे 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हैं। और जैसे ही हम इग्निशन स्टार्ट करते हैं तो अपने आप इलेक्ट्रोलिसिस वाला किट चालू हो जाता है, जैसे ही बंद करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो जाता है। तो ऑन डिमांड का हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है, तो कोई हाइड्रोजन हमें स्टोरेज यूज़ नहीं करना पड़ा। और जब पूरी तरह से अगर हम लगा के देखें तो कुछ इस तरह दिखेगा, जहाँ पर हमारा ड्रायर है और पूरा किट इंस्टॉल्ड है। तो मैंने पूरा प्रोसेस को एक एनिमेशन में दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पर हम देख सकते हैं जो अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं वो अपने आप दिखेंगे। जिधर आता है हमारा खुद का इलेक्ट्रोलिसिस का किट, पल्स डोजर जिसे बोलते हैं PWM यूनिट, और फिर मॉइस्चराइजर फिल्टर या ड्रायर, और फिर होज और एक नोजल। और हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट प्रॉबली यूज़ करना चाहते हैं डिस्टिल वाटर, साथ में इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम मोस्ट प्रेफरेबली यूज़ करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलिसिस किट है हम लोग उसे कहीं पे भी अपने जो फ्रंट गार्ड है उस पर अटैच कर सकते हैं, कोई कैस्केट दिया होता है या
जिसे हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं, पहले PWM यूनिट और साथ में जिससे अटैच सेंसर आता है उसके साथ जोड़ते हैं, और उससे फिर आउटपुट को हम लोग 12 वोल्ट के जो बाइक के बैटरी है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और फिर पानी को ऑटोमेटिकली अटैच कर देते हैं, पानी को उसमें डाल देते हैं साथ में जिसके अंदर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट होगा। ऐसा सब पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसे वर्किंग में देखेंगे तो हाइड्रोजन का कंपैरेटिव मास लो होने की वजह से वो पहले बर्न होगा। अब पहले बर्न होगा तो हायर एफिशिएंसी की वजह से ज़्यादा अच्छा पिकअप आएगा, जबकि जब पेट्रोल का देखेंगे तो सिर्फ 1 लीटर में सिर्फ और सिर्फ 180 ml एक्चुअल में एज ए फ्यूल हो जाता है, बाकी सारे पोल्यूटेंस के हिसाब से जाते हैं। इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, माइलेज इंक्रीज होता है, कार्बन डिपॉजिशन होता है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से वो नहीं बनते, फिर तो पोल्यूशन फ्री होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है और टॉर्क भी इंक्रीज होता है क्योंकि ज़्यादा बेटर कंबशन हो रहा है। इन द एंड मैं बस यही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि हमें एक सोल्यूशन चाहिए और हमारा किट एक सोल्यूशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सेम कॉन्सेप्ट स्टैनले मायर ने दिया था, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने HHO का जो कनकिट है उसका कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, पर जो मोनोपोली है, मार्केट मोनोपोली जो कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो चाहते नहीं थे कि ऐसा टेक्नोलॉजी उनके मार्केट में आए, तो इसलिए वो कहा जाता है कि उनका मर्डर करा दिया गया था। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैं इस टेक्नोलॉजी को हमारे इंडियन के मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ, और देखा जाए तो हमारे कॉमन इंसान के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारा फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, उमेश पीटर पॉल हियर।